चापा औरैया के टॉप 10 अपराधी व पुलिस के बीच मुठभेड़, अपराधी के पैर में गोली लगने से घायल। इटावा औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी अनुज यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। इटावा के भड़पुरा थाना क्षेत्र के छोटी गाती गांव के पास हुई मुठभेड़। अपराधी अनुज यादव ने 26 अगस्त को औरैया के इरवा कटरा थाने के सिपाही देवेश थेनुआ को चेकिंग के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया था। थाना भड़पुरा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी यशराज सिंह ने बताया, थाना भड़पुरा व क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली, जिसके चलते थाना भड़पुरा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बड़ी गाती चौराहे पर चेकिंग लगा दी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस देखकर 315 बोर के कट्टे से फायर करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्यवाही में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आरोपी के पैर में जा लगी, जिससे छोटी गाती मोड़ पर आरोपी गिर पड़ा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ के दौरान पता लगा कि अनुज पुत्र मोहर सिंह यादव निवासी चकरपुर थाना बिधुना औरैया का टॉप 10 अपराधी में से एक है और पिछली 26 अगस्त को औरैया के इरवा कटरा थाने में एक सिपाही को चेकिंग के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस द्वारा कार्यवाही के चलते आरोपी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल इटावा इलाज के लिए भेजा गया। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। स्पीड बढ़ा करके और ये जो छोटी जाति जहाँ खड़े हुए हैं इस मोड़ पे भागने का प्रयास किया, उसको यहाँ पे आके वो लड़का आकर गिर गया। पुलिस के ऊपर फायर किया उसने जवाबी 315 बोर के कट्टे से। हमारी पुलिस द्वारा उसको फायर किया गया, जब जवाब में तो इसके पाँव में गोली लगी और हमारी फोर्स ने इसको दबोच लिया और इसके बाद इसको अस्पताल में भेज दिया गया है। ये औरैया से एचएस भी है और टॉप 10 भी है और इसके एक जो अभी 26/8 में इसके द्वारा चेकिंग के दौरान ही औरैया की एक पुलिस है उसको उसने गोली मारी थी, उसमें भी वांछित है और ये बड़ा अपराधी है। इसके अपराधों के विषय में अब जानकारी की जा रही है कि कुल इसके पास कितने अपराध हैं। इसके पास से एक ही जो मोटरसाइकिल पड़ी है, ये इसमें भी नंबर नहीं है कि चोरी की लग रही है, देखना पड़ेगा। और इसके पास 315 बोर का कट्टा था, वो यही मौके पर है।